समाजवादी पार्टी की गदवाड़ नेता और रामपुर से विधायक आजम खान एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने ईडी की अलग अलग जगह हो रही छापेमारी पर कहा, हम देखते ही नहीं हैं, चश्मा लगा हुआ है, अंधे हैं, कान नहीं है, बहरे हैं, जुबान नहीं है, गूंगे हैं। आजम यही नहीं रुकी, जब असदुद्दीन ओवैसी के कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, उनके बयान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैंने गलत को सही कहा ही नहीं, मैंने कहा ना मुझे कुछ लगता है और ना ही मेरी खोपड़ी में बुद्धि है, ना ही आँखों में रोशनी, ना ही मुँह में जबान, देखो चश्मा लगा रखा है, हाँ सूरदास नहीं हूँ, जन्म से अंधा नहीं हूँ, हालात से अंधा हूँ। आजम का ये पहला और इकलौता बयान नहीं है। जेल से छूटने के बाद उन्होंने इस तरह के कई अटपटे बयान दिए हैं। आइए उनके बयानों को जानते हैं और समझते हैं कि आखिर वह इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। पहले आजम के 5 अटपटे बयान सुनिए। विधानसभा चुनाव में मिली हार पर मीडिया ने आजम खान से सवाल पूछा, इस पर उन्होंने कहा था, सरकार तो नहीं बनी दोस्त, हम सिकंदर तो नहीं पाए, बंदर जरूर बन गए, कभी रामपुर कोर्ट तो कभी मुरादाबाद कोर्ट, कभी मुंबई तो कभी लखनऊ और फिरोजाबाद में मदारी के बंदर हो गए हैं। लखनऊ के लुल्लू मॉल में नमाज पढ़ने के विवादों पर एक बार मीडिया ने आजम खान से सवाल पूछा तो आजम मीडिया पर ही बरस पड़े। आजम खान बोले, हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं, जो गए हैं उनसे पूछ लिए लुल्लू लोलो टुल्लू टोलो, क्या यार बताओ ये भी कोई बात हुई, लुल्लू लुल्लू और कोई काम ही नहीं। मुरादाबाद की MP MLA कोर्ट में सुनवाई पर पहुंचे आजम खान से मीडिया ने लोकसभा चुनाव की तैयारी पर सवाल पूछ लिया। इस पर आजम ने कहा, भी तो लंगोटे सिलने के लिए दी हैं, काफ़ी महंगी सिल रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए चिट्ठी जारी करवाई थी। इसमें उन्होंने दोनों नेताओं से कहा कि आपको जहां ज़्यादा सम्मान मिले वहीं चले जाइए। जब इसको लेकर आजम खान से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजम खान है, मैं रामपुर का रहने वाला हूं और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। विधानसभा उपचुनाव के दौरान आजम खान ने रामपुर के नवाब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आजम खान ने कहा, नवाब ज्यादा की नवाब कहलाने वाली औलादों को किन्नर का वोट भी नहीं मिला। रामपुर की नवाब ज्यादा जुल्फिकार अली खान की औलादें अपने आप को नवाब कहती हैं और सिर्फ 3000 वोट पाती हैं, इससे ज़्यादा तो रामपुर में किन्नर होंगे। इससे साफ है कि नवाब साहब को तो किन्नरों का वोट भी नहीं मिला। आजम यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा, हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और एक तरफ हमारी नवाब नाचते थे, नाचने वाली बेहोश होकर गिर जाती थी, हमारी नवाब फिर भी नाचते थे, किसी ने नहीं बताई होगी आपको ये बातें, यही हमारा गुनाह है, हमारी नवाबी पूरी दुनिया में अकेला था जिसका एक घुंघरू बसता था, कोई ऐसी तवायफ ना थी जिसकी पायल का एक घुंघरू बसता हो, लेकिन हमारे नवाब की पायल का एक घुंघरू बसता था, इतना बड़ा फनकार था हमारा नवाब। हमने ये समझने के लिए मनोविज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर अंजू बाला और राजनीति के जानकार प्रोफेसर अजय सिंह से भी बात की। डॉक्टर अंजू ने कहा, आजम खान के इन बयानों से पता चलता है कि वह काफ़ी निराश चल रहे हैं। जेल जाने से पहले आजम खान के बयान तीखे होते थे और मुद्दों पर केंद्रित होते थे। जेल से छूटने के बाद इसमें बदलाव देखने को मिला है। अब वह हर सवाल का जवाब देते समय खुद की दुर्दशा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह अपने बयानों के जरिए अपने हालात को बयां करने की कोशिश करते हैं। वह यह बताना चाहते हैं कि वह और उनका परिवार परेशान है। प्रोफेसर अजय ने कहा, आजम खान इससे अपने समाज की सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। जिस यूपी में पिछले कुछ साल के अंदर ओवैसी ने हवा बना ली थी, उसी यूपी में अब आजम खान ने फिर से अपनी लोकप्रियता हासिल कर ली है। वह मुसलमानों के बीच यह संदेश देने में कामयाब हो गए हैं कि उन्हें सिर्फ इसीलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम हैं और मुसलमानों की आवाज़ उठाते रहे हैं। उनके इन बयानों से भी यह साफ छलक रहा है।